नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, एक बार फिर से आप लोग का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाटा 407 गोल्ड SFC BA6 फेज 2 के बारे में, और साथ ही हम लोग इसका अपडेट भी बता देंगे कि इसमें क्या क्या अपडेट है और क्या क्या इसमें कुछ छोटे मोटे बदलाव किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो मिल सके। लुक्स वाइज कोई चेंजेस नहीं किया गया है, सेम वही BA6 वाला ही मॉडल है, और इंजन में भी पावर में भी कुछ बदलाव नहीं किए गए हैं, सभी आपको BA6 वाले ही मिलेंगे फीचर। इसमें आपको 2956 cc का 4S PCR इंजन मिल जाता है जो 100 HP का पावर प्रोड्यूस करता है 2800 RPM में, और 300 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है 1200 से लेके 2200 RPM में। इसमें आपको फ्यूल टैंक 60 लीटर का मिल जाता है, 60 लीटर का फ्यूल टैंक और डेफ का 18 लीटर का फ्यूल टैंक यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा दाहिने साइड डेक के नीचे। और इसके अलावा इसमें आपको जो क्लच हुआ है यूज़ हुआ है वो सिंगल प्लेट ड्राइव फ्रिक्शन 280 डायफ क्लच यूज़ हुआ है, और गियर G400 5 स्पीड मैनुअल सिंक्रोनस गियर बॉक्स दिया गया है। 5+1 मतलब 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर दिया गया है। और ये कुछ इंटीरियर है इसका, जो छोटे मोटे कुछ बदलाव किए गए हैं इंटीरियर में भी आप देख सकते हो। इसमें आपको पावर स्टेयरिंग मिल जाता है टिल्टेबल स्टेयरिंग के साथ, और इसमें आपको AC का भी ऑप्शन मिल जाता है, और इसके अलावा इसमें आप म्यूज़िक सिस्टम भी ऐड कर सकते हैं, और जो सीट है वो भी एडजस्टेबल है, ऊपर नीचे और आगे पीछे भी कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पे आप म्यूज़िक सिस्टम का सेटअप लगा सकते हो बीच में, इसका बॉक्स भी दिया गया है। और इसके अलावा इसमें हम लोग ग्रेडिबिलिटी की बात कर ले तो 40% का ग्रेडिबिलिटी है 40% का, और सस्पेंशन की बात हम लोग करें तो इसमें आगे में आपको पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाता है हाइड्रोलिक डबल शॉक एब्जॉर्बर के साथ, और वहीं पीछे की तरफ सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग मिल जाता है शॉक एब्जॉर्बर के साथ। इसमें आपको 16 इंच का टायर लगा हुआ है, और जो चेसी इसमें है वो आपको लेडर टाइप चेसी है, और उसके अलावा इस गाड़ी की GVW 4650 kg है, और पासिंग जो गवर्नमेंट के द्वारा पासिंग हुआ है वो 2267 kg पे पासिंग हुआ है, और इसका मतलब कि इससे डबल आप लोडिंग लेके आप चल सकते हैं, 4.5 टन आराम से लेके चल जाएगा ये गाड़ी। और कलर में बात कर ले तो वाइट कलर में अवेलेबल है, और पहले रेड आती थी लेकिन अभी केवल वाइट ही अभी आ रही है। और उसके अलावा इस गाड़ी में आपको व्हील बेस 2955 mm का व्हील बेस मिल जाता है, और ग्राउंड क्लियरेंस आपका इसमें 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और इसके अलावा फ्रंट में आपको इसमें डिस्क ब्रेक मिलेगा, और रियर में इसमें ड्रम ब्रेक मिल जाता है। अगर वारंटी की हम लोग बात करें तो टाटा ने इसमें 3 साल की वारंटी दी है, या फिर 3 लाख किलोमीटर वारंटी दी है। और नॉर्मली टाटा की सभी गाड़ियाँ में जो भी गाड़ी है पिकअप से लेके हाईवा तक, वो सब उस सब में आपको 3 साल या 3 लाख किलोमीटर की वारंटी देखने को मिल जाएगी। और इसके डेक की लंबाई 10 फीट वाली है ये। और फाइनली अगर प्राइस की हम लोग बात करें तो ये 11 लाख से लेके 14 लाख में अवेलेबल है, और सभी स्टेट का अलग अलग प्राइस है, ये मैं रांची झारखंड का बता रहा हूँ, अप्रोक्स है 11 लाख से लेके 14 लाख, मतलब आपको 12-12.5 लाख से स्टार्टिंग है। ये मैं एक शोरूम बता रहा हूँ, जी हाँ दोस्तों, एक शोरूम है ये। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, थैंक यू सो मच।